नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। चुनाव दहलीज पर हैं और इसी के साथ सियासतदानों का मजबूत जमीन खोजने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी, यानी कि आम भाषा में कहें तो दल बदल। तो आज चर्चा इसी हेरफेर पर कि क्या ये दल बदल, ये बागी बदलेंगे सत्ता का समीकरण। ये सियासत है, यहां जो आज खास है वो कभी भी आम, और कोई भी आम कभी भी खास हो सकता है। और इसी आम से खास हो जाने की प्रक्रिया की एक कड़ी है दल बदल, जो इन दिनों पहाड़ की सियासत में चरम पर है। जो जिस दल की जितनी मजबूत कड़ी को तोड़े उतना बड़ा सूरमा, या यूं कहें महापापी। लेकिन इस सच से इतार कुछ तथ्य ये भी कहते हैं कि 2017 के चुनाव में निर्दलियों और बागियों का किरदार अहम रहा, और इस बार भी कुछ रूठे हैं, कुछ बागी हैं, और कुछ की घर वापसी हुई है। पर क्या ये दल बदल जितना प्रभावकारी और सहज नजर आ रहा है उतना ही है भी, ये बड़ा सवाल है। तो आज चर्चा इसी सवाल की खोज की, क्या बागी बदलेंगे समीकरण। लेकिन उससे पहले ये बयान सुनिए। सरकार को गिराया है सदन के पटल पर, उत्तराखंड के लिए एक कलंकपूर्ण घटना है। वो मेरे लिए प्राइम इश्यू है कि ये संसद का जिसको महापाप कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो महापाप है। ऐसे महापापी यदि कांग्रेस में आना चाह रहे हैं तो पहले अपने पाप को स्वीकार तो करें। ये सवाल मेरी सरकार को गिराने का नहीं है, ये उत्तराखंड के मूल्य और मान्यताओं को, यहाँ के पार्लियामेंट्री संस्कृति को, एक हर राज्य की अपनी अपनी संसदीय संस्कृति होती है, उस पर एक कलंक है, दब्बा है। तो चलिए, इस चर्चा को अहम बनाने के लिए हमारे साथ कुछ किरदार जुड़ेंगे, जिनमें से एक का नाम है सुजाता पॉल, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस की। बहुत बहुत स्वागत है सुजाता जी आपका। शादाब शम्स जी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं, बीजेपी के पहले भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है शादाब जी आपका। रविंद्र सिंह प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, जुड़ते रहते हैं जनता टीवी के साथ में। रविंद्र जी स्वागत है आपका जनता टीवी पर। शुरुआत सबसे पहले बीजेपी के साथ होगी, कांग्रेस के साथ अमूमन हम शुरुआत करते हैं क्योंकि कांग्रेस की स्थितियों पर चर्चा होती रही है, लेकिन आज बारी बीजेपी की है। शादाब जी, क्या मौजूदा हालात उतने बेहतर नहीं है जितने होने चाहिए? मैं यशपाल आर्य जी के जाने के बाद के प्रकरण की बात कर रही हूँ। नहीं, मुझे लगता है कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत सामान्य चल रहा है। और कांग्रेस में यशपाल आर्य जी गए तो उनके जाने से हमें कोई फर्क पड़ा नहीं है। मैं हम पहले भी बोल चुके हैं कि हमारी पार्टी का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है, नेशन फर्स्ट, पार्टी व्यक्तिगत हित से पार्टी हित बड़े है और पार्टी हित से देश हित बड़े है। तो अगर कोई व्यक्तिगत हित के लिए कहीं चला जाता है, क्योंकि हम सबने देखा जिस प्रकार हरीश रावत जी ने कहा कि हम अनुसूचित एक दलित चेहरे को अपना सीएम चेहरा घोषित करेंगे, तो तब मैंने तमाम चैनल्स पे ये बोला था कि भाई आप एक काम कीजिए, चेहरा घोषित कीजिए, और अगर आपके पास कोई चेहरा नहीं है तो हम अपने पास से भेज देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप झूठ की राजनीति करते हैं। लीजिए, भेज दिया यशपाल आर्य जी को, आप घोषित कीजिए दलित चेहरा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, कौन रोक रहा है? तो झूठ की राजनीति करने वाले एक्सपोज हो गए, एक बात। दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार है, और इस विचारधारा में जो आ गया वो किसी कीमत पर इस विचारधारा से बाहर नहीं जाता। ठीक है, विचारधारा और विचारधारा कितनी मजबूत है, इस पर मैं आऊंगी वापस से आपके पास। शादाब जी, सुजाता जी से काउंटर ले लेते हैं। सुजाता जी मुस्कुरा रही हैं और बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही हैं, तो इस मुस्कुराहट के पीछे का राज सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 57-58 अब की बार 60 पार कह रहे हैं, और तीन मुख्यमंत्री देते हैं, तीन अध्यक्ष हो चुके हैं और तीन ये विधायक तोड़ चुके हैं। मगर अब की बार जो हुआ है इनके साथ उसमें ये बेचारे हो गए, बौखलाए हुए हैं, क्योंकि यशपाल आर्य जी और संजीव आर्य जी का पार्टी को छोड़ना इनमें बौखलाहट पैदा कर रहा है, ये कह रहे हैं। सुजाता जी, लेकिन ये बौखलाहट कहीं कांग्रेस में खुद के अंदर तो नहीं है कि बीजेपी की स्थिति दिन ब दिन पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद मजबूत होती जा रही है, तो मजबूत कड़ियां तोड़नी पड़ेंगी या दिखाना पड़ेगा कि टूट रहा है बीजेपी? ये बौखलाहट कहीं वाकई में आप बीजेपी को कह रहे हैं लेकिन कांग्रेस के अंदर तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, और मैं कारण बताती हूँ। क्योंकि घोषणावीर मुख्यमंत्री
निवाला छीन मुख्यमंत्री है, उन्होंने स्वयं सहायता समूह से जो निवाला छीनने का काम किया, कुपोषित बच्चों के लिए जो पैसा आता है उसे छीनने का काम किया था। ये घोषणावीर मुख्यमंत्री पंडा पुरोहितों को बेवकूफ बनाते हैं, अपने पास एक पत्रकार के माध्यम से बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मगर वार्ता असल में फेल हो जाती है। और आज दोबारा से पंडा पुरोहित आंदोलनरत है, ये बताता है कि घोषणावीर मुख्यमंत्री अब क्या करेंगे, जब 4.5 साल काम नहीं हुआ तो 3 महीने में क्या काम कर सकते हैं ये? क्या ये नौकरियां दे सकते हैं? क्या ये लोगों के दुख पर मरहम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। और मैंने इस बात को बिल्कुल साफ कर देना है यहाँ पर कि हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन या सरकार को कमजोर करने की कोशिश नहीं करी। अगर कोई गया तो वो अपनी मर्जी से गया, लेकिन जब भाजपा में गया तो इन्होंने कहा हमारी विचार से जुड़े, हमारे विचारधारा से जुड़े, और जो छोड़ के चला आया उसको कह रहे हैं कि वो हमारे विचार से जुड़ नहीं पाया। ये बताता है कि ये एक संदेश दे रहे हैं बाकियों को भी कि आप अगर जाना चाहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो कहाँ जाएंगे ये सवाल रहेगा। लेकिन ये बताता है इनका चार चरित्र और चेहरा की सम्मान किसी का नहीं करते। ठीक है, शादाब जी आपके पास मैं वापस आ रही हूँ, रविंद्र जी से भी मैं काउंटर लूंगी। रविंद्र जी, सुजाता जी से ये पूछ लीजिएगा कि भाई ये हरीश यशपाल आर्य जी गए क्यों थे? कांग्रेस छोड़कर जब इतनी अच्छी कांग्रेस थी तो आए क्यों थे बीजेपी में? इतना जरूर पूछिए इनसे जी। ठीक है, आपकी राजनीति जी। चले रविंद्र जी, आपका काउंटर है। मैं दोनों निवेदन भी करूंगा, जब मैं बोलूं तो बीच में ना बोलें जी। मेरा सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी शादाब भाई ने बोला कि हमने यशपाल आर्य को भेज दिया, तो देखिए इस पर हम ये साफ कहना चाहते हैं और हमने पहले भी कहा है कि आज शादाब भाई ने हमारी बात पर खुद मोड़ लगा दी। इन्होंने कहा हमने भेज दिया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर के एक फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, और इस चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग आज जो जनता देख रही है उसको ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इसमें ये कहा जा सकता है कि इन्होंने जो 20-21 साल मिल करके छला है उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड की जनता अब समझ चुकी है और इनको सबक सिखाने के लिए अब तैयार है, क्योंकि इन्होंने कहा हमने भेज दिया है। इसका मतलब यह है कि इन लोगों की साठ गांठ है आपस में। पूजा जी, आपने इस बात को पॉइंट को नोट किया कि भेज दिया है, इसका मतलब इनकी साठ गांठ है। ये एक दूसरे के नेताओं को भेजते खरीदते रहते हैं, एक दूसरे दलों में भेजते रहते हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस एक ही टीम है और ये आपस में फ्रेंडली मैच खेलते हैं, जनता का बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन अब जनता समझ की है, और परेशानी इस बात की है कि रविंद्र जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। दो चुनाव में हम इनकी जमानतें जब्त करा चुके हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं है। और इनके साथ दिक्कत ये है कि अभी आपने बोला था बीच में मत बोलना, फिर आप बोलने लग जाते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगी रविंद्र। आपका टाइम नहीं था कि मैडम, मैं कह रहा हूँ दिक्कत में आ जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ कि आपने खुद बोला है कि बीच में मत बोलना और आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, फिर आप कहेंगे मुझे बोलने नहीं। रविंद्र जी सुन लीजिए, शादाब जी को सुन लीजिए पहले। मैंने कहा कि वो लोग जो मां नंदा देवी की तुलना कूड़े गाजीपुर कूड़े के ढेर से करते हो, वो लोग जो उत्तराखंड के लोगों की तुलना कुत्तों से करते हो, वो लोग जो उत्तराखंड के लोगों को ड्राइवर और कर्मचारी सफाई कर्मचारी और चौकीदार बताते हो, मुझे लग रहा है कि मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। आम आदमी पार्टी कभी वहां जा रही है, समझ में नहीं आ रहा कितने कंफ्यूज लोग हैं कि क्या करोगे। आपका जमीन पे कुछ नहीं, इसलिए आपको ऊपर तो प्रहार करने का भी दिल नहीं करता कि क्या कहें आप लोगों को, तो आप तो रहने दीजिए। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको आउट करूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस का उत्तर जरूर दूंगा कि कांग्रेस ने जब ये कहा कि इनके पास प्रचंड बहुमत की सरकार, 3-3 मुख्यमंत्री क्यों बदले, जरा कांग्रेस बताए कि क्या जो 4.5 साल तक जिस व्यक्ति को आपने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, प्रीतम सिंह को 6 महीने के लिए जब चुनाव आया तो नेता प्रतिपक्ष क्यों बनाया, उनकी काबिलियत में कभी दिख रही थी क्या? आपको बताना पड़ेगा कि जब आपने इस प्रदेश को अध्यक्ष दिया तो क्या आप खुद जानते थे कि आपका अध्यक्ष किसी लायक नहीं है, इसलिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष आपने और लगाए? या आप ये बताएंगे वो 4 कार्यकारी अध्यक्ष जो हरीश रावत जी को गाली दे रहे थे, उन्हें इस बात पर तोहफा दिया गया
कि वो चार कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाए गए कि हरीश रावत को गाली दे रहे हैं, और अगर आपने उन्हें कुछ नहीं बनाया तो पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो क्या ये कारण था क्या? आपको बताना पड़ेगा शादाब जी। इन सवालों के बाद मेरा बीजेपी से भी एक सवाल है, इन सवालों के इन सवालों का जवाब सुजाता जी देंगी, लेकिन उसके बाद मेरा बीजेपी से भी एक सवाल है। सुजाता जी आपका काउंटर है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट आज कैसी है, जब ये सवाल उठा रहे हैं कि 4.5 साल बाद हमने प्रीतम सिंह जी को, ये भूल गए सीएलपी बनाया है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, और ये तो दुर्भाग्य है हमारा कि हमारी नेता प्रतिपक्ष की मृत्यु हो गई और उनकी जगह हमने अपने मजबूत नेता को भेजा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में छाके, ये तो पूरी की पूरी कांग्रेस तोड़कर, एक पत्रकार की वजह से कांग्रेस तोड़कर ये ले जाने की कोशिश कर रहे थे और अपना कुंडा संभाल रहे थे। पूजा जी इनसे पूछिए ना कि इनके तीन तीन मुख्यमंत्री बदले, मगर जिनको ये कांग्रेस से लेके गए। इससे इतर सुजाता जी, इससे इतर मेरे पास सवाल है बीजेपी के लिए, इससे इतर है, कल हरक सिंह रावत नड्डा जी से मिल के आए हैं, शादाब जी संतुष्ट करने की कोशिश हो रही है? नहीं नहीं, कोई संतुष्ट करने की किसी को कोई कोशिश नहीं हो रही। बात केवल इतनी है, जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर चुनाव लड़े, हरक सिंह रावत जी आज हमारे नेता हैं, पार्टी के अंदर हम जो काम करते हैं उनका कद बढ़ाते हैं, लेकिन उनके बयान से तो गिरती रहती है सरकार, उनके बयानों से तो गिरती रहती है। वो ठीक है, मुझे लगता है जिनके बयानों से गिरा जाए या जो बात है वो अलग विषय है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये मानती है, यहाँ जो काम करता है यहाँ किसी की बपौती नहीं है। एक चाय वाला देश के प्रधानमंत्री बन सकता है, एक सैनिक का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी में मुमकिन है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कांग्रेस में या अन्य दलों में मुमकिन नहीं है, वहां जो सारा कॉपीराइट लेके बैठ जाते हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आपको कम से कम ये बताना पड़ेगा। सुजाता जी आपके लिए भी एक सवाल है मेरे पास, लेकिन आप पहले काउंटर दे दीजिए उनका। सवाल उससे आगे बढ़ चुके हैं शादाब जी, सवाल उससे आगे बढ़ चुके हैं, सवाल यशपाल आर्या जी के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भी बन रहे हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए शादाब जी, इस बात पर ध्यान दीजिए कि सवाल उसके बाद और पैदा हो रहे हैं। सुजाता जी आपसे मेरा सवाल है, यशपाल आर्या ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, कांग्रेस ज्वाइन कर ली और उनके जैसे और भी मेरे ख्याल में शायद दिग्गजों को आप तोड़ने की तैयारी कर रहे हो या मीटिंग्स चल रही हो या जो भी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यशपाल आर्या के पार्टी ज्वाइन करने के वापसी के बाद जिस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी आपकी पार्टी के अंदर उत्पन्न हुई है, जिस तरीके की चीजें उत्पन्न हुई है, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है कि भाई हम अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, वो तो दूसरी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसको कैसे शांत कराएंगे? आपके पास पहले प्रीतम सिंह और हरीश रावत का ही कलेश नहीं खत्म हो रहा था, अब यशपाल आर्या भी आ गए हैं, उनकी एवज में कोई सीट नहीं छोड़ना चाहता है, इसको कैसे खत्म करवाएंगे आप? नहीं देखिए पूजा जी, जहां तक सीटों की बात है और कौन कैंडिडेट कहां से चुनाव लड़ेगा, उसमें अभी स्थिति जो है वो स्पष्ट होना बाकी है। हाँ, हर व्यक्ति अपनी अपनी सीट से कार्य करता है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है, किसी नेता के विरुद्ध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से हमें सत्ता दी है, जिस प्रकार से लोग ट्राई ट्राई कर रहे हैं, वो पूरी सरकार से क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क उन पर नहीं है। मैं ये बात हमेशा नहीं समझ पाती सुजाता जी, मैं ये बात हमेशा नहीं समझ पाती कि कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता जितने भी डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं वो हमेशा प्रीतम सिंह और हरीश रावत पर बोलने से बचते क्यों हैं? ये दो तरीके की लॉबी क्रिएट हो रही है कांग्रेस के अंदर, और इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं आप लोग? मैं देती हूँ, मैं देती हूँ। देखिए हमारे यहाँ इतने दिग्गज नेता हैं कि आपने इस बात को तो दे दिया, अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यहाँ से जो ले गए थे उनमें मुख्यमंत्री बना दिया, तो भाई बीच में मत बोलिए, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहती हूँ, जो वो कह रही है कोई नहीं देता। तो देखिए हमारे यहाँ हर व्यक्ति जो है उसकी अपनी एक एक जो व्यक्तित्व होता है उसके तहत वो होता है, और यशपाल आर्या को सीएम का चेहरा बनाएंगे कि नहीं ये बता, बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं तो इनकी बात का प्रश्न था मेरा, शादाब जी सुन लीजिए, शादाब जी सुन लीजिए, सुजाता जी को सुन लीजिए, उसका उत्तर तो दे दीजिए पहले कि भाई हरीश रावत जी को यशपाल आर्या को चेहरा बनाएंगे कि नहीं, बोलने नहीं दूंगी, समझ में आया?
प्रीतम सिंह की जाकर बात है, वे अध्यक्ष रहे सारे चार साल, हरीश रावत कद्दावर नेता है, यशपाल आर्या को चेहरा बनाएगी कांग्रेस की नहीं। डरते क्यों हो, डरपोक कायर, अरे मैं पूछ रहा हूँ यस और नो बताओ, डरने को छोड़ो, ये बोलो चेहरा बनाओगे कि नहीं, या थूक के चाटेगी कांग्रेस, थूक के चाटेगी या चेहरा बनाएगी, क्लियर करे कांग्रेस, क्लियर करे यशपाल आर्या को चेहरा बनाएगी या माफी मांगेगी जनता से कि हमने झूठ बोला था, हमें माफ कर दीजिए। अरे ये मत बताओ, अरे ये मत बताओ, भ्रष्टाचारी तो जो है वो सब जानते हैं, 11 पे समेट दिया, 11 पे समेट दिया आप लोगों को, भ्रष्टाचारी कौन है जिसने टीवी पे कौन दिखाई दिया सबको मालूम है, हमें मत समझाओ, प्रदेश की जनता जमीन से लेके आसमान तक के सारे घोटाले जानती है, हमें मत समझाओ, ठीक है, आपकी एक एक घोटाले की जानकारी जनता को है, केवल ये बताइए। पहली बात तो शादाब जी और सुजाता जी ये ध्यान रखिए कि ये जंग का मैदान नहीं है, ये चर्चा के लिए एक मंच है। रविंद्र जी मैं आपके पास आती हूँ इस डिस्कशन को थोड़ा सा नॉर्मल ट्रैक में लाने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी आपस में लड़ रही है और आपस में एक दूसरे का काट निकाल रही है, लेकिन इस काट और अकाट्य की रेस में क्या आम आदमी पार्टी अपने आप को थोड़ा सा पीछे महसूस करती है इस रेस में? क्या जो बात शादाब जी कह रहे हैं, सुजाता जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो कहीं रेस में है ही नहीं, बाकी आप तैयारियों में सबसे आगे चल रहे हैं, आपने सीएम फेस सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया, अभी 30 नवंबर तक दिनेश मोहनिया जी कह रहे थे कि वो तमाम लोगों की जो सूची है वो भी डिक्लेयर करने वाले हैं, लेकिन क्या इस बात का कष्ट अंदर कहीं ना कहीं है क्या कि हम इन दोनों पार्टी जो आपस में काट निकाल रही है, हम पीछे हो रहे हैं? देखिए आम आदमी पार्टी जो है ये आम जनता की पार्टी है, और हम आम आदमी के मुद्दे सड़कों से लेकर के सदन तक उठाने का काम करते हैं, साथ ही हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त भी घर घर जाकर के लोगों के रोजगार कार्ड बना रहे हैं। पिछली बार हमने बिजली का कैंपेन चलाया था जिसमें हमें रिस्पॉन्स मिला था, 14 लाख घरों में हमने बिजली के कार्ड को पहुंचाया था। तो हमारा ये कहना है, हमारा सरोकार जनता के मुद्दे से है, बीजेपी कांग्रेस तो आपस में लड़ने के लिए है और अंदर से एक ही है, इनके नेता एक दूसरे से कर सकते हैं। जी शादाब जी जा सकते हैं, शादाब जी का सवाल ले लेते हैं, शादाब जी का सवाल ले लेते हैं, आम आदमी पार्टी से ही सवाल है उनका। शादाब जी, जी मैं केवल और केवल इतना पूछ रहा हूँ कि जो झूठ की दुकान के प्रोपराइटर है अरविंद केजरीवाल, वो ये बता दे और उनके प्रवक्ता भी बता दे, आपने दिल्ली में वादा किया था 8 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, आपके मैनिफेस्टो में था, और आपने कहा कि अगर उत्तराखंड में हम लोगों को रोजगार भी देंगे और 6 महीने में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, इसका मतलब 1 साल में 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 5 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो दिल्ली में अभी तक तो आपने किसी को रोजगार दिया नहीं, और दिल्ली में आपने तीसरा वादा किया कि आप पोर्टल खोलेंगे, एक रोजगार बाजार, तीन आप अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था। आप तीनों की हैसियत बताता हूं, आज तक 8 लाख लोगों में से किसी को आपने 5,000 भत्ता दिया नहीं, रोजगार तो दूर, 5,000 के हिसाब से 8×40 400 करोड़ रुपए पर मंथ बैठते हैं, पर मंथ के हिसाब से 400 करोड़ रुपए यानी कि 12×48 4,800 करोड़ रुपीज पर एनम, तो साल में 5,000 करोड़ रुपए कौन सा बेरोजगारी भत्ता दिल्ली की सरकार बांट रही है, तो वो बता दीजिए। दूसरा, आपने वहां एक और झूठ बोला कि हम वहां उत्तराखंड में वो जो रोजगार पोर्टल लाएंगे उस पे दिल्ली में 24 जुलाई 2020 को आपने रजिस्ट्रेशन कराया, 9,900 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, 51 लोगों को मात्र आज तक रोजगार मिल पाया उस पोर्टल से। रविंद्र जी का झूठ बोल रहे हो, क्या चल रहा है इसे क्लियर कीजिए। अब मैं बोलूंगा तो ये बीच में ना बोलें, शादाब भाई ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कुछ आपको समझ आ जाएगा। देखिए दिल्ली में उत्तराखंड और यूपी के हजारों लोग नौकरी करते हैं, हजारों, दिल्ली के ही नहीं, दिल्ली के लोगों के पास तो रोजगार है ही, लेकिन पहाड़ के हमारे और उत्तराखंड के, यूपी के, हरियाणा के, तमाम प्रदेशों के लोग नौकरी करते हैं। और जब लॉकडाउन लगा तो उत्तराखंड में आपने भी देखा कि हजारों लोग दिल्ली से लौट करके आए, जब
फैक्ट्रियां बंद हो गई, जब कारखाने बंद हो गए, जब हॉस्पिटल्स में लाइनें लगी और ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद रही, तो इससे एक बात तो ये साबित होती है कि दिल्ली सबको नौकरी मुहैया कराने वाला प्रदेश है। पहली बात, वहां पर बेरोजगारी है ही नहीं, क्योंकि बाहर के लोग नौकरी करने जा रहे हैं। आप इस बात को ठीक ढंग से समझिए, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि कहां से देंगे, लोगों को आप तो लोगों को कुछ दे नहीं पाए। पांच साल में मुख्यमंत्री, अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ आपके मैनिफेस्टो में है, पूजा जी से पूछिए, तीन मुख्यमंत्री देने का काम किया। देखिए रविंद्र जी, शादाब जी, समय कम है और आप प्लीज अपनी बात को जल्दी समाप्त करें। 8 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? अगर हो गया है बहुत हुई मार। अबकी बार भाजपा सरकार यही कहा था ना आपने, अबकी बार जनता आपको ऐसा पटके गिना उठा के कि आप कहीं खाई भी नहीं देंगे। शादाब भाई, सुजाता जी आपसे मेरा सवाल है, सुजाता जी आपसे मेरा सवाल है, जो सवाल शादाब जी ने आपसे पूछा था ठीक इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ। मेरा आपसे सवाल है, यशपाल आर्य को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था, बीजेपी के अंदर तमाम सुख प्राप्त थे, मुख्यमंत्री खुद दो दो बार चाय पीने गए, मनाने की कोशिश उन्होंने करी, वो नहीं माने, कांग्रेस में आ गए, कुछ तो हित देखा होगा ना। वही सवाल मेरा है जो शादाब जी ने पूछा था कि इससे बड़ा क्या देने वाले हैं आप, यशपाल जी को किस तरीके से संतुष्ट करेंगे? देने की बात नहीं होती है, अपनी इज्जत अपना सम्मान भी कुछ होता है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी को तोड़ के, मतलब इन्होंने जो किया था वो असंवैधानिक था, वो लोकतंत्र की स्पिरिट के विरुद्ध था। इन्होंने इन्होंने एक पार्टी को तोड़ा, एक सरकार को तोड़ने की कोशिश करी, ये सारी चीजें कही थी। इनकी घटिया राजनीति, क्योंकि इनके पास लोग नहीं है, ये डूबता जहाज है। लेकिन उसके बाद देखिए जिनको ये ले गए, मैंने ये शुरू में कहा, उन्हीं में से किसी को बना देते ये मुख्यमंत्री तो आज ये हालत इनकी ना होती। जिनके साथ इन्होंने इतना अपमान का जो व्यवहार है वो किया है, जो कार्य करने की क्षमता रखते हैं जो नेता, हमारे यहाँ ट्रेनिंग ऐसी होती है, लेकिन इनका नहीं है। ठीक है, ज्यादा ट्रेनिंग हो जाएगी तो कैंडिडेट ज्यादा हो जाएंगे, सुजाता जी, ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग हो जाएगी तो कैंडिडेट ज्यादा हो जाएंगे, वो भी विरोधाभास की स्थिति है। शादाब जी आपसे मेरा लास्ट में जवाब चाहूंगी, बीजेपी के अंदर क्या वाकई सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या हरक सिंह रावत को बुलाया गया, अभी काऊ भी गए हैं, गए थे दिल्ली, वो भी मुलाकात करके आए हैं, संतुष्ट करने की कोशिशें लगातार चल रही है, क्या जो विरोध के स्वर हैं वो अब मुखर होने लगे हैं क्या बीजेपी के अंदर? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और यहाँ अगर विरोध के लिए कोई जगह ही नहीं। अगर किसी को विरोध करना हो, मेरी पार्टी में अगर किसी को ये लगता हो कि यहाँ बात नहीं सुनी जा रही, तो हम कहते हैं हमारे दरवाजे खुले, आप जा सकते, कोई दिक्कत। एक दूसरी बात, मैं केवल इतना कह रहा हूँ, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस बार 60 पार का लक्ष्य हमने रखा है। चले ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा को अहम बनाने के लिए, खास बनाने के लिए। तो चुनाव दहलीज पर है, दल बदल का खेल भी लगातार जारी। हालांकि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो इस समय मुख्य फाइट में नजर आ रही हैं, तीनों में ही किसी न किसी तरीके की परेशानी है और बेहद जरूरी कि चुनाव आते आते कील काटों को दुरुस्त किया जाए। लेकिन जिनको महापापी कहा गया था, अब वो खास नजर आ रहे हैं और जिन लोगों को खास समझा गया था वो अब आम हो गए हैं, उनके जाने और रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सियासत है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।